वैसे तो खतरनाक चीज है। जय हिंद दोस्तों। और आज हम आए सुबह सुबह, हमारे जिला है सवाई माधोपुर में, मीणा कॉलोनी। किनका मकान है ये? हंसराज मीणा कंपाउंडर। हंसराज जी मीणा साहब कंपाउंडर है अपने जनरल हॉस्पिटल में। हाँ। जनरल हॉस्पिटल में ही है और इनके घर पे आ गया है। और अपना सिलबट्टा होता है इसमें चिकनी वगैरह बनाते हैं, अपन पीसते हैं उस इसके नीचे। इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा, बहुत शानदार सांप है और हमारे पर्यावरण में बड़ा जबरदस्त संतुलन बना के रहता है ये सांप, और बेहतरीन जीव है मैं तो। और मेरे साथ आए हैं आज राजेश जी बंटी भैया, और हम इसको कैच करते हैं। भैया मेरे को लेने गए थे घर पे और इन्होंने बताया कि हमारे उसमें सिलबट्टे के नीचे बैठा हुआ है। हमने आके देखा, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है, दिखाते हैं आपको और इसको कैच करते हैं। कोई बिल्ली तो नहीं? पहले पहले वो देख लेगा। अरे राम, ये तो फन फुला के बैठा है। फन फुला क्या, मर चुका है? तो मर चुका है। हाँ, सीटें लग गई इसको। दिखाओ जी पास से। तो मुंह तो, मुंह तो खुला होता है। फाड़ रहा था ये। हाँ। फाड़ रहा है पर तब भी सीटें लग गई इसके जबरदस्त। अरे शांत, नहीं जानते भी है, जानते हैं बस। इसमें जीव नहीं है, इसकी हालत खराब हो रही है। शांत रहे भाई साहब। और इसके चींटियां लग गई। चींटियां लगने से, चींटियां लगने से ये जानवर मर जाता है और हमें बड़ा सख्त अफसोस है क्योंकि ये दब गया बहुत तगड़ा। और ये पहले से दबा हुआ था। हाँ, और इसकी चींटियां लग गई और इसको हम चाहेंगे कि इसकी चींटियां मिट जाए। धूप में रखो। सही। और चींटियां लग गई और इसको बचाने का मौका मिल रहा है और इसकी चींटियां लग गई है। चींटियां हम छुड़ा देते हैं ब्रश से क्योंकि ये जीव हमारे पर्यावरण में बहुत अहमियत रखता है। और हमने तो सोचा था मर गया, दबा हुआ ऐसा ही बैठा था, परंतु ईश्वर की कृपा है ये बच गया है और हम इसकी चींटियां हटा देते हैं। लाल चींटियां जो सबसे खतरनाक चींटियां होती है हमारे, जिनको बैड़ू चींटी बोलते हैं। बैड़ू चींटी बोलते हैं ना उसको। हाँ हाँ। लाल चींटियां एचडी के बगल में मकान में जो रहते हो, श्रीदास छोटा सा डिब्बा ला दो। आज दिन लेते अपन वहां ना, ये बच जाएगा भी ये तो यार। हाँ, बच जाएगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पानी से नहला था ना उसको? नहीं, पानी से नहीं नहलाएंगे, अभी ठंड है ना, ये ठंडे खून के प्राणी होते हैं। चींटियां हटने जरूरी है। हल्का गर्म पानी करवा दे। काफी नहीं, नहीं गर्म पानी भी इनके लिए वो रहता है। ये लो। नहीं वो लाओ यार, पारदर्शी लाओ यार। डिब्बा डिब्बे आते ना भाभी, वो टॉफी के डिब्बे आते हैं ना पारदर्शी। ये देखो, ये यहाँ से हल्का सा इंजल्ट भी हुआ है, हल्का सा। हाँ, वो उसके नीचे दबा होता है इसलिए। कब से दबा हुआ है? नहीं नहीं, वो क्या है, ये रखा होगा ना इन्होंने, किसका आया होगा है ना, तो ये किसका? हाँ, उस टाइम पता नहीं था ये नीचे। अब ये इनको पता नहीं था कि ये जीव इसके नीचे बैठा है। अगर इनको पहले पता और पड़ जाता तो किसका थे? नहीं किसका थे, किसका से हल्का सा ये हो गया, बाकी ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। दादा रुक जा, तेरी चींटे साफ कर दूं मैं। डरा हुआ ये, खुद ही डरा हुआ है। इंसान जितना इनसे डरता है ना, उससे ज्यादा डेंजर है। इंसान जितना इनसे डरता है, इंसान से चार गुना ज्यादा ये डरते हैं इंसान से। जबकि इनसे कोई डरने वाली बात नहीं है, हमारे पृथ्वी पर इनका बहुत अच्छा रोल होता है और ये बड़े प्यारे जानवर होते हैं। बस ईश्वर ने इनको जहर दे दिया, इसलिए ये लोग बाग इनसे नफरत करते हैं, डरते हैं। देखो तो यार, कितना प्यारा जीव है, सुंदर जीव है। अब तो नहीं है ना कहीं चीटियां? अब नहीं है कोई चीटी? ये भाई साहब अगर एक दो घंटे और तो ना मर जाता तो ये खत्म हो जाता, मतलब चींटी अंदर घुसती मर जाता ही। अब नहीं है इसकी चींटियां, नहीं है। यार कहां से गए यार ये? आ जाते हैं बगल में से, ये अड़सावना कुछ ज्यादा हो रहा है बगल में। छेद करने के लिए कोई सूंड को ना सूंड। कितना प्यारा जहाँ स्टार्ट करो, करो स्टार्ट। भैया तुम्हारी हमने चींटियां छुड़ा दी है और अब चले क्या? फड़ फाड़ के बेटा शांत है यार। तो दोस्तों हम इसको लेके चलते हैं, बड़ा प्यारा सांप है, कोबरा का बेबी है ये, और गलती से आ गया था और ईश्वर की कृपा थी इसके ऊपर। इसके भयंकर कम से कम मेरे हिसाब से 1000-2000 चींटियां लगी होगी, चींटियां सब हट गई है और इसके प्राकृतिक माहौल में हम इसको छोड़ देंगे, इससे आगे का जीवन जिएगा। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे पर्यावरण में, प्रकृति में ऐसा एक जीव
बचा है। और क्या नाम भैया आपका? दीपक। दीपक भैया की मुस्तैदी की वजह से बचा है और ये मेरे को लेने गए मेरी दुकान पे। वहाँ पे मेरे साथ राजेश जी भी खड़े थे, हम तुरंत आए हैं और हमने इसको देख लिया है और अब इसको रेस्क्यू कर लेते हैं। जान आ गया तो ये नहीं, जिनने बचाया उन्हीं को फूंको। दूसरी बात ये है ना कि ये छाया में भी बैठा था और ये ठंडे खून के प्राणी होते हैं, अब इसको धूप मिली तो थोड़ा अच्छा भी लग रहा है इसको। आ जा भैया, आ जा, आ जा। हम तो कह रहे हैं प्यार से आ जा तो बढ़िया, अच्छी बात है। हाँ, नाटक करने में एक नंबर है। तो दोस्तों, इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा जिसे हम भारतीय नाग बोलते हैं, उसका बेबी बच्चा है छोटा, उसको हमने रेस्क्यू कर लिया है और हम इसको लेके चलते हैं पुनर्वास हेतु। इसको जंगल में छोड़ देंगे इसके माहौल के अनुसार। तो मिलते हैं इसकी रिलीजिंग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और गर्व से बोलेंगे वंदे मातरम। दोस्तों, हम आ गए हैं इस जीव की प्राकृतिक जगह और फन फुला के बैठा देखो आप। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हम मनुष्य सामाजिक प्राणी हैं और हमारे दिल और दिमाग में प्यार प्रेम करुणा भाव दया होनी चाहिए। अगर हम अपने आप को मनुष्य मानते हैं तो इन जीवों के प्रति हमें सद्भावना रखनी पड़ेगी, इनके प्रति हमें करुणा भाव रखना पड़ेगा, दया रखनी पड़ेगी, क्योंकि जीव मनुष्य के दया पे ही जीवन है, जीवित है। और परमात्मा ने जितने भी जीव बनाए हैं सब हमारे पर्यावरण में और हमारे खाद्य श्रृंखला में सबकी जगह बराबर है। अगर कम बेसी करने का है तो उसी को अधिकार है, हमको नहीं है। उन्होंने इसको मारा नहीं, इसको बचाए रखा, तो हम उनको से धन्यवाद देंगे और हम इसको छोड़ते हैं। आज दिखाते हैं आपको मेरे दोस्तों, पृथ्वी पर एक छत्र राज इंसानों का है। आओ दोस्त, आ जाओ तुम्हारी जगह। और ये जीव जितने भी हैं हमारी दया पे ही निर्भर है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि ऐसे जीव पृथ्वी पे बने रहें। देखो आप कितने शांति से जा रहा है, बहुत बढ़िया सुंदर। जा दोस्त, जी ले अपना जीवन, मिलेंगे कभी जिंदा रहे तो। बड़ी अच्छी गति से जा रहा है, फन बना लिया है इसने, हुड बना लिया है, बहुत सुंदर। जा मेरे भाई, जी ले अपना जीवन और फिर मिलेंगे जिंदा रहे तो। दोस्तों, हमने इस जीव को छोड़ दिया है और मन को बड़ा सुकून है, दिल बड़ा शांत है, क्योंकि सुबह सुबह ये जीव हमको मिला और हज़ारों चीटियाँ लगी हुई थी, परंतु हमने इसको छुड़ा दिया वहाँ से और ईश्वर ने बचाया है इसको, हम तो एक माध्यम है। तो दोस्तों, मिलते हैं इन्हीं साफ शब्दों के साथ में किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी जीव की हेल्प करते हुए, मदद करते हुए, संरक्षण करते हुए, और उन लोगों का जिनके घरों में ये भूले भटके आ जाते हैं उनका डर दूर करते हुए, भय दूर करते हुए। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और गर्व से बोलेंगे वंदे मातरम।